स्प्रे क्यों करते हैं भाई, हमारा देश कितना बड़ा है। क्या पढ़े वाला काम कर आओ। अरे नेताजी वोट मांगो दे, हमें को मजदूरिया ना पड़ी। हे नेताजी, अरे हमने को मजदूरिया ना पड़ी सरकार। आए मजदूरी आप लोगों का तो पड़ गया, आप लोग तो खुदा ही 1000 रुपए रोज कमा रहे हैं। कहां 1000 मिल रहा है यार, कहां मिल रहा है नेताजी। अरे देख रहे धूप में आए दे ही नहीं रहे यहाँ तो नेताजी, काम करा के भी जल्दी मजदूरी नहीं मिल रहा है। ऐसी बात तो हो नहीं सकता। अरे हुआ था अभी, एक लोग आए थे यहाँ पे सुबह। मोदी जी की सरकार है, कहा ऐसे बोल रहे हैं। मोदी जी के दोस्त नहीं है। हाँ। ये देखे आदमी लोग काम करा के भी पैसा नहीं देते, अभी एक लोग आए थे। जब आपको काम नहीं, नहीं मिल रहा है, कल कारखाने नहीं बैठे तो यहाँ दोस्त किसका है? हाल चाल लेने वाले को दोस्त नहीं। मेरा परिचय है, मैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, वाराणसी लोकसभा 77वां का प्रत्याशी हूँ। सुरेन जी, आपकी सीधी टक्कर किससे है? सीधी टक्कर किससे है? टक्कर तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से है, और टक्कर उनका, अब हमको तो लग रहा है कि हमारे से उनका टक्कर हो गया है, और वो चक्कर में पड़ गए हैं कि मैं देश का चुनाव कराऊं कि मैं वाराणसी में ही पड़ा रहूं। सुरेन जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुद्दे हमारे जो हैं, विकास के मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे हैं, और यहाँ जो पीछे खड़े हैं बेचारे गरीब, सबसे बड़े मुद्दे इनके हैं। हम लोग तो मजदूर, और ये तपती धूप में इस समय उनको खड़ा कर दिया जाए जो चेहरा लाइट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके खून पसीने को देखिए बेचारे, हमसे कब से शिकायत करते हैं। मैं वहाँ पर गया था अभी मड़ुआटी, वहाँ के लेबरों ने कहा कि मुझे काम करा करके पैसा नहीं दिया जाता है, घर में टॉर्चर करते हैं कि अगर पैसा मांगोगे तो तुमको सिखा देंगे। सुरेन जी, चुनाव जीतने पे क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? प्राथमिकता इन गरीबों का विकास, जो मैं लिबरई करता था, मैं भी लिबरई करके मैं नेतागिरी में आया हूँ, और लोग मुझको सहयोग कर रहे हैं चलने फिरने में, लोग 150, 200, 400 ऐसे हमको चंदा दे करके चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हमें संसद में ये कानून बनाना होगा कि झूठ बोलने वाले को उस जगह नहीं उतरना चाहिए जहाँ से उन्होंने झूठा वादा करके गया कि किसानों को मैं उनका जो है कि कर्ज माफ़ करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, और 15 लाख रुपया जो देने की बात कहे थे उन गरीबों के खाते में 15 लाख नहीं गया, वो बेचारा इसी जो है कि आशा से इनको बाहरी घर से बाहर निकल कर वोट दिए, विकलांग दिए, जो मरने के कगार थे वो लोग गए कि अगर हमारी वोट दे दे कुछ दिन जिंदा रहेंगे तो 15 लाख रुपया मिलेगा। और हमारे देश में ऐसे बड़े एक नेता आए हैं जो 15 लाख गरीबों को देने की बात करें। कांग्रेस ने भी कहा है कि गरीबों को 20% जनता को जो है 6000 रुपये महीने, छलावा है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक है। अभी देख लीजिएगा चुनाव होगा, जहां से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है वहां कांग्रेस वाले जो कार्यकर्ता हैं लगकर उनका चुनाव जिताने में काम करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।